कद्दू या पम्पकिन की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है 300 ग्राम कटे हुए कद्दू, दो हरी मिर्च बारीक काट ली, 4 से 5 लहसुन बारीक कटा हुआ, 3 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल, आधे छोटी चम्मच सरसों के दाने, 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/3 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक हमें चाहिए स्वाद के अनुसार। सबसे पहले गैस ऑन करके एक पैन गरम करें। पैन के गरम होते ही हम इसमें तेल डाल देंगे। तेल को अच्छी तरह गरम होने दें। फिर हम इसमें डाल देंगे ये सरसों के दाने। इन्हें कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें ये कटे हुए हरी मिर्च और लहसुन डाल दें। हरी मिर्च और लहसुन को हम कम से कम आधे मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ये देखिए, इसका जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो गया है। अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम लो कर देंगे क्योंकि हमें इसमें सूखे मसाले डालने हैं। तो इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर ज़रा सा यूज़ करें क्योंकि हमने कटे हुए हरी मिर्च यूज़ किया है। मिला दें इसे। फिर इसमें ये कद्दू डाल दें। इसे मिक्स करें, अच्छी तरह मिला दें मसालों को और कद्दू को। ये देखिए, मिला लिया मैंने। अब हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। नमक को भी मिक्स कर देंगे। मिला दिया मैंने नमक को। अब हम पैन को कवर करके इसे लो फ्लेम पे 12 से 15 मिनट तक पकने देंगे। ये देखिए, बीच बीच में हम इसे एक बार चेक कर लेंगे ताकि जो सब्ज़ी है वो जले नहीं। तो ये मैंने बीच में एक बार ढक्कन हटा के इसे एक बार मिक्स कर दिया। आप एक दो बार ये प्रोसेस करें, लगातार 12 से 15 मिनट बाद ढक्कन ना हटाएं, बीच में आप उसे एक दो बार चेक कर लें। फिर थोड़ी देर बाद, ये मैंने कम से कम 15 मिनट हो चुके हैं पैन का ढक्कन हटाया और ये सब्ज़ी जो है वो बन चुकी है। ये देखिए, आप चाहे तो इसे थोड़ा सा और पका सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पका हुआ कद्दू पसंद है तो। मैंने इसे इतना ही पकाया है, गैस को ऑफ़ कर दें और ये हमारी कद्दू की सब्ज़ी तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करें। सर्व करने के लिए आप इसे एक प्लेट में निकाल लें और ये इजी, सिंपल और मसालेदार तीखी कद्दू की सब्ज़ी तैयार हो गई है। इसे आप चाहे तो थोड़ा सा धनिया पत्ता से गार्निश करके रोटी पूड़ी या पराठे के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना ना भूलें।